हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। दोस्तों आज है 14 मार्च और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में, और इन क्वेश्चन से बनने वाले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। वीडियो देखते समय अगर आपको हमें कोई सवाल आता है, किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज है उन पर भी आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जिनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो कौन सी इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में। तो भारत को स्थान मिला है दूसरा, यानी कि सेकंड, ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहले स्थान पर तीन देश हैं, कौन कौन से, आपका स्वीडन है, यूके है और ऑस्ट्रिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही है, पर ऑस्ट्रिया, स्वीडन, यूके और ऑस्ट्रिया, ये तीन देश पहले स्थान पर हैं और भारत दूसरे स्थान पर है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्वतारोही भावना डेहरिया ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी फतेह की, यानी कि इस देश की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई इन्होंने सफलतापूर्वक कर ली है, और ये इन्होंने चढ़ाई अपनी होली के दिन पर कंप्लीट की, इन्होंने इस चोटी को फतेह कर लिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है इसका, माउंट कोसिवस्कू। क्या नाम है इसका, माउंट कोसिवस्कू की सबसे ऊंची चोटी है जिसको इन्होंने फतह कर लिया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2228 मीटर, 2228 मीटर। इन्होंने 2019 में तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भी फतह किया था। जी हाँ, तो अभी 2020 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिवस्कू को फतेह किया, और 2019 में इन्होंने तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को इन्होंने फतेह किया था। भावना का संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से है, किससे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो देख अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें, जिससे कि हमको पता लगता है कि हमारे द्वारा किया गया काम आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए कुछ नॉलेजेबल है, आप इससे कुछ लाभ ले पा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो NCRB का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके स्थापना दिवस पर दो सेंटर्स का उद्घाटन किया गया, कौन कौन से, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर और दूसरा नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर एक जो जो पहला है आपका क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, तो यहाँ पर अपराध से जितने भी प्रकार के अपराध होते हैं उनको इसमें डाटा रखा जाएगा, और नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है तो इसमें जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनकी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो NCRB है इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं रामफल पवार। कौन है, रामफल पवार NCRB के वर्तमान में डायरेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। जी हाँ, इन्होंने BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, तो किसने, सुरजीत सिंह देसवाल जी। अच्छा, अतिरिक्त प्रभार यानी कि अब इन्होंने इसका एडिशनल चार्ज ले लिया है। तो अभी ये वर्तमान में किसके महानिदेशक है, तो ये ITBP के महानिदेशक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के ये महानिदेशक हैं। लेकिन विवेक जौहरी जी रिटायर हो गए हैं, या फिर विवेक जौहरी जी को मध्य प्रदेश पुलिस का महानिदेशक बनाया दिया गया है, तो इनका ये पद खाली हो गया था BSF के महानिदेशक का। तो अब BSF का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है सुरजीत सिंह देसवाल जी को। यानी कि अगर एग्जाम में आता है कि सुरजीत सिंह देसवाल ने किसका स्थान लिया है, तो विवेक जौहरी जी का स्थान लिया है, जो मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक बन गए हैं। तो BSF के अतिरिक्त महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया सुरजीत सिंह देसवाल, जो कि वर्तमान में ITBP के महानिदेशक हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी नई दिल्ली में।
बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में महान गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को शामिल किया गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जी हाँ, टाइगर वुड्स गोल्फ के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस बैंक ने अपना पहला ही ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, और उनको किसको बनाया है? अमिताभ बच्चन ने, अमिताभ बच्चन को बनाया है। IDFC फर्स्ट बैंक के वर्तमान में MD एंड CEO हैं वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अभी हाल ही में कौन सी बैंक दिवालिया हो गई, या फिर यूँ कहें कि किस पर ऋण ज़्यादा ग्रस्त आ गई और RBI ने उस पर रोक लगा दी है। क्या आपको उसको नाम पता है? अगर नाम पता है तो कमेंट बॉक्स कर करिए, और उसके आपको अगर स्थापक का भी नाम पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो लद्दाख की राजधानी लेह में मनाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले दो के नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, लद्दाख एंड JNK। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल भी बनाए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर, और जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद मुर्मू। याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाल में BBC पोल के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम किसे चुना गया? तो BBC पोल के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जी हाँ, 19वीं सदी के सबसे महान शासकों में से एक महाराजा रणजीत सिंह को BBC के पोल के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया है। BBC वर्ल्ड हेरिटेज मैगजीन द्वारा यह सर्वे किया गया, जिसमें से इनको चुना गया है। दूसरे स्थान पर हैं अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी अमील कर कैबरल। जी हाँ, जो ऑप्शन दूसरा है वो सेकंड स्थान पर है आपके, ये एक अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी। और तीसरे स्थान पर है विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के युद्ध के समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, जब ब्रिटेन में युद्ध छिड़ा हुआ था तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इनको थर्ड स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ने बचत खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि को की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? जी हाँ, अब इस बैंक के द्वारा आपको मिनिमम अकाउंट में बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है। अब इसने इस शर्त को समाप्त कर दिया। तो ये बैंक है आपकी भारतीय स्टेट बैंक SBI। पहले इस नियम के अनुसार जो मेट्रो शहर थे उसमें न्यूनतम बैलेंस आपको अकाउंट में 3,000 रुपये रखना पड़ता था। जो आपके कस्बे थे, टाउन एरिया थे, वहाँ पर 2,000 रुपये मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता था। और जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहाँ पर 1,000 रुपये मिनिमम अकाउंट रखना होता था, मिनिमम बैलेंस रखना होता था अकाउंट में। लेकिन अब SBI ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है। तो ये पहली बैंक बनी सार्वजनिक क्षेत्र की जिसने न्यूनतम बैलेंस राज की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 46वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस सूची में या इस इंडेक्स में 100 देशों को शामिल किया गया, जिसमें कि पहला स्थान मिला है स्वीडन को, दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को, और तीसरा स्थान मिला है अमेरिका को, और सबसे आखिरी स्थान पर यानी कि 100वें स्थान पर है कुछ प्रमुख देश जैसे कि बुरुंडी, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, बुर्किना फासो आदि। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस इंडेक्स में 76वें स्थान पर
रखा गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अगर आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके याद में? सरोजिनी नायडू की याद में, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कर करके बताना है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है? कैंसर, COVID-19, हेपेटाइटिस बी या फिर TB? इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के संबंध में आपके बारे में मन में कोई कंफ्यूजन आता है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।